भाइयों क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप खैर खरीत से होंगे, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी कोई गम तकलीफ आपके पास ना आए। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त। तो उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ये प्याज मैंने काट लिए हैं, ऑयल मेरा गर्म हो गया है। ये देखिए आज मैं बनाऊँगी मिट्टी की हांडी में। ये देखिए प्याज इसमें डाल देते हैं, हल्के से ब्राउन होंगे प्याज, तो फिर बाकी मसाले वही नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया लहसुन अदरक का पेस्ट, दो आलू मैंने लिए हैं और आधा किलो गोश्त है। तो ये देखिए ये प्याज अब ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं मैंने। इसमें अब टमाटर काट लेते हैं। ये देखिए ये दो आलू मैंने काट लिए हैं, हरी मिर्चें लिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटी हुई मिर्चें, नमक हल्दी और कुटी हुई काली मिर्चें और दो टमाटर लिए हैं और आधा किलो गोश्त है। प्याज हमने ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं इतनी देर में। ये बाकी मसाले मैं काट के रख लेती हूँ। देखिए इस तरह से बन रहे हैं। जब हल्के ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसमें टमाटर ऐड करेंगे। देखिए इस तरह आग पे बनी हुई और मिट्टी की हांडी में बना हुआ सालन बहुत ही लजीज होता है। देखिए ये इस तरह से हो गए, इनको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना वरना सालन काला हो जाता है। अब इस स्टेज पे आएंगे तो आपने इसमें ना टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर मैंने डाल दिए आप, इसको दो मिनट ऊपर से ढक देंगे ताकि टमाटर अच्छे तरीके से बीच में घुल गए हैं। ये देखिए अब इसमें बाकी लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, अच्छे दो मिनट इसको फ्राई करके। सिंपल सा सालन है जो रोज़ हम बनाते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन इसमें जब मट्टी की हांडी में जब बनेगा तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और बाकी ये जो मसाले हैं नमक मिर्च हल्दी काली मिर्चें लाल मिर्चें कुटी हुई, मैं हमेशा कुटी हुई मिर्चें डालती हूँ, उससे बिल्कुल बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हांडी बिल्कुल जो उसकी ग्रेवी होती है वो रेडनेस में नहीं आती, जिसको नॉर्मल उसका कलर आता है। ये देखिए इसको दो मिनट भून के तो फिर मैं गोश्त ऐड करूँगी, साथ साथ वो भी भूनता रहेगा। हो गई है, अब मैं इसमें डालती हूँ ये गोश्त। आधा किलो हमारा गोश्त है जितना मुझे चाहिए था, इसको मैंने धो के इसी तरह धो के आई। ये दो मिनट इसकी भुनाई होगी तो फिर इसमें आलू ऐड करेंगे। ये देखिए जब ये प्याज इसमें अच्छी जब तक भुनाई करेंगे जब तक ये इसके बिल्कुल प्याज टमाटर जो है ना बिल्कुल मिक्स हो जाए और इसकी अच्छे से ग्रेवी बन जाए। थोड़ा इस भुनाई आ गई ये देखिए बिल्कुल ऐसे कोरमे जैसा मसाला इसका बन जाएगा, बिल्कुल टमाटर प्याज जब जाम हो जाए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है लहसुन अदरक की, लेकिन जिस तरह जब मिट्टी की हांडी में भूनता है मसाला तो बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। ये देखिए
अभी हमारा अच्छी तरह से भून चुका है गोश्त, ये देखिए इसमें हम आलू भी डाल देते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से साथ साथ उनकी भी भुनाई होती रहे। ये देखिए आजकल आलू अच्छा लगता है, नया आलू उतरा हुआ है, नमकीन खाने में लजीज होता है। आलू बहुत ज़्यादा, मटन का बहुत अच्छा बनता है, मेरे बच्चे क्योंकि नहीं खाते हैं तो मैं चिकन नहीं हमेशा बनाती हूँ। मटन और बीफ का आलू गोश्त बहुत मज़ेदार होता है। ये देखो देखिए ये अब साथ साथ आलू भी बीच में मैंने डाल दिए, ये देखिए मसाला भी भूनता रहेगा और आलू भी साथ में जब पकने के करीब आ जाएगा तो उस दम के दौरान हम इसमें सब्ज़ मिर्ची और धनिया डालेंगे, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और जो एक बहुत एहसास दिलाने वाला अरोमा होता है जो दिल को बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है। आप भी बना के देखिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करें। साथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगा के मैं उसकी भुनाई कर रही हूँ ताकि हमारे मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। प्याज ये देखिए अभी इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, पर जितनी आपको शोरबा चाहिए ये देखिए ज़रा सा दाम लगा देते हैं, रख दूंगी ताकि अच्छे तरीके से आलू गल जाएं। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सालन आलू गोश्त का बन के तैयार है, थोड़ा नीचे मैंने डाल दी, नीचे उठा लेते हैं, देखना ही चाहिए आलू भी हमारे अच्छे तरीके से गल गए। ये मेरा सालन और रोटी बन के तैयार हो चुका है, आप भी इसको मज़े ऐसे बनाइए और मज़े ले के खाइए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।